नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर रोहित बत्रा डर्मोवल स्किन एंड हेयर क्लिनिक्स के माध्यम से आज आपको बताने जा रहा हूं कि इस समय COVID-19 के कारण जब हम अपने घर के अंदर सारे बंद हैं और 21 दिन तक हमें प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने कहा है और हम अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवारजनों के स्वास्थ्य के लिए घर पे बिल्कुल लॉकडाउन की स्थिति में है, तो किस तरीके से आप अपने आप के साथ एक्सपेरिमेंट ना करें, नई नई चीजें इस्तेमाल ना करें कि आपको घर रहते कोई और प्रॉब्लम बन जाए। क्योंकि बहुत सारे जो हमारे पेशेंट हैं उनका कॉल आ रहा है कि किसी ने कोई फेस पैक लगाया तो उनको रिएक्शन हो गया, किसी ने कोई हेयर डाई करी उसको रिएक्शन हो गया, लोगों ने इस तरीके की जो सुनी सुनाई बातों से हाइड्रोक्सीक्लोरिन या क्लोरोक्विन की गोली खा ली उनको साइड इफेक्ट हो गया, स्किन रैश हो गया, या फिर ऐसे लोग जो कि पहले कुछ नहीं करते थे अपनी स्किन के लिए, एकदम उनको याद आया कि अब हमारे पास टाइम है तो वो अलग अलग तरीके के घर के अंदर जो चीजें मिलती हैं, चाहे वो हनी हो, चाहे बेसन हो, चाहे दूध हो, मलाई हो, उन सबको पेस्ट बना के, घोल बना के अपने चेहरों पे गृहणियां लगा रही हैं और उनसे उनको साइड इफेक्ट हो रहे हैं, स्किन के ऊपर लाली आ रही है, खुजली हो रही है। लोग जो अपने बहुत ज्यादा आजकल हाथ धो रहे हैं, बार बार जो डिसइंफेक्टेंट है, बार बार जो सैनिटाइजर है उनका प्रयोग कर रहे हैं, तो बच्चों को खासकर स्किन के ऊपर बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है। तो मैं आपको ये आज बताने आया हूं कि इस घड़ी के अंदर जब हम एक प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, आप अपने लिए एक दूसरी प्रॉब्लम इजाद मत करें। यदि आप कोई चीज आज तक यूज नहीं करते आए हैं तो सुनी सुनाई बातों के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर जाकर या अपने दोस्त से या किसी और से पता करके ऐसी चीजों का उपयोग या ना करें। यदि आप कोई चीज अपने फेस के ऊपर लगाते हैं तो जरूरी नहीं है कि आपके मित्र को जो उससे अच्छाई मिली है, उससे कुछ ग्लो आया है, कुछ क्लीनिंग हुई है, तो आपकी भी वैसे ही स्किन उसको रिस्पॉन्ड करेगी, उससे उतनी ही अच्छी होगी। क्योंकि बहुत टाइम देखा गया है कि ये चीजें जो घरेलू उपचार जिनको कहते हैं, ये डिपेंड करता है कि आपकी स्किन टाइप क्या है, आपकी ऑयली स्किन टाइप है, नॉर्मल स्किन टाइप है, ड्राई स्किन टाइप है। यदि कोई लोग ऐसी चीजें लगाएं जो कि कोई ड्राई स्किन वाला लगाता है तो, और जब लगाने वाले की स्किन ऑयली है तो उसको पिंपल्स निकल सकते हैं। यदि कोई ऑयली स्किन वाला कोई फेस पैक यूज करता है और वो ड्राई स्किन के ऊपर लगाए तो उसकी स्किन और ड्राई हो सकती है और उसको खुजली हो सकती है, लाली आ सकती है और एक्जिमा भी हो सकता है। उसी तरह बहुत ज्यादा हाथ धोने से आपकी स्किन ड्राई होती जा रही है, अगर आप उसको मॉइस्चराइज नहीं कर रहे हैं तो आपको खुजली हो सकती है, आपकी स्किन फट सकती है, उस पर डर्मेटाइटिस हो सकता है। इसी तरह सुनी सुनाई बातों में आके कि कोविड से बचने के लिए कोई दवाई खानी है, उसको किस डोज में खाना है, बिना किसी डॉक्टर से पूछे खाना शुरू मत कर दें। सरकार ने भी कहा है कि ये दवाइयां जो कि उपलब्ध हैं, जिनके ऊपर अभी कोई ज्यादा अध्ययन नहीं हुआ, ये उन लोगों के लिए फिर भी इस्तेमाल हो सकती हैं जो कि कोविड के पेशेंट्स को देख रहे हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, जो डॉक्टर हैं, जो नर्सेज हैं, ताकि वो जब अपने अस्पताल में जा रहे हैं और इतने लोगों के कॉन्टैक्ट में आ रहे हैं तो उनको कोविड की मार ना पड़े। आप ये जाने कि क्लोरोक्विन और हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो दवाइयां व्हाट्सएप ग्रुप्स पे चल रही हैं, उनको सरकार ने भी नॉर्मल इंसान, नॉर्मल लोगों के लिए मना किया है। क्योंकि यदि आपको वो दवाई देनी होती है तो आपका डॉक्टर आपकी ECG करवाता है, आपकी आई की फंडस एग्जामिनेशन कराता है, लिवर फंक्शन टेस्ट, किडनी फंक्शन टेस्ट, CBC कराता है, कई बार G6PD कराना पड़ता है। कई लोग जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, जिनको हार्ट की बीमारी है, जिनको डायबिटीज है, उनको ये दवाइयां सोच समझ के देखभाल कर देनी होती है। तो यदि आप सुनी सुनाई बातों में आकर ये चीजें कर रहे हैं तो कृपया उन्हें बंद कर दें और ऐसे फॉरवर्ड्स आगे भी ना भेजें। क्योंकि किसी को भी आज की डेट में अगर कोई मेडिसिन की प्रॉब्लम होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप जानते हैं कि बाहर जाना कितना मुश्किल है और जाना भी नहीं चाहिए। डॉक्टर्स के क्लिनिक्स भी सरकार ने कहा है कि बंद कराए हैं, सिर्फ इमरजेंसी सर्विसेज चालू हैं। तो इस समय में जब देश पूरा जूझ रहा है कोविड से, आप नहीं चाहेंगे कि आप किसी और बीमारी से भी जूझें, तो ऐसी चीजों, अफवाहों के ऊपर, सुनी सुनाई बातों पे मत जाएं, घर पे बैठें, स्टे सेफ और कोई और एक्सपेरिमेंट मत करें। धन्यवाद।